कॉन्ट्रोवर्सी करके चीजें करके जिससे कि कुछ भी चीजें फंस गई, ये सब मुझे नहीं पसंद है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए मैंने मतलब जो कुछ किया अच्छे से किया। सुबी शर्मा का जो भी इंटरव्यू है या फिर जो भी है कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं है, लेकिन अगर कॉन्ट्रोवर्शियल इंडस्ट्री में क्रिएट होता है तो क्या एक्ट्रेस को या एक्टर को प्रॉफिट होता है उससे? क्या उनके स्टारडम को ग्राफ मिलता है क्या इसको? आप क्योंकि आप बॉलीवुड में भी काम किए हो, भोजपुरी को भी आप बहुत तरह से चले। राखी सावंत जी है, उनका फेम नेम किस चीज से होगा? नेगेटिव पब्लिसिटी, उनकी बोल्डनेस वाला है। ये डिपेंड करता है कि आप आपका नेम फेम और शोहरत कैसे पाना चाहते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप एक अच्छी इमेज के साथ चलना चाहते हो तो ऑब्वियसली शाहरुख खान को ठीक है। कितने सारे एक्टर्स हैं, भी हैं, हीरो हैं, जूही चावला जी का उनको देखिए, अच्छी इमेज के साथ में भी आप हिट होंगे, प्लस नेगेटिव इमेज के साथ भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव आप होंगे। तो ये डिपेंड करता है आपको कि आपको क्या चाहिए। भोजपुरी इंडस्ट्री मेल डोमिनेट इंडस्ट्री है क्या? हाँ है, बिल्कुल है। इससे दर्द होता है क्या? मेल डोमिनेट करते हैं हीरोइंस को, वो यहाँ पे होता है और इसका दर्द मुझे तो बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि मुझे किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं तो भी नहीं, कभी है नहीं कभी रहेगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है, मुझे अपना काम करना है और मैं आज तक अपने काम से आगे बढ़ी हूँ। तो जिन्होंने डोमिनेट करने की कोशिश भी की है वो भी हार गए कि यार हम लोग क्या करें, हम लोग इतना कोशिश करते हैं ये डोमिनेट होती ही नहीं है, होना ही नहीं है। सबसे ईश्वर है, भगवान है, माँ बाप है, उनको छोड़ के मुझे डर नहीं लगता। मतलब कहीं ना कहीं सुबी शर्मा को ही जो भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग हैं जो मेल डोमिनेट है वो मतलब आए कि भाई सुबी शर्मा को ट्राई करते हैं कि सुबी शर्मा हमारे चीज़ों पर वर्क करें, हमारी लाइनों पे आए, हमारे रेटिंग पे चले, तो कहीं ना कहीं सुबी शर्मा को ऑफर किया गया था। ऑफर ही किया गया था। देखिए जो चीज़ें हैं थोड़ी बहुत होती है तो हम तो एक चीज़ बोलते हैं, नई कुछ कॉन्ट्रोवर्सी नई चीज़ें हमसे ना हो तो हम सिर्फ एक वहाँ पे चल रहे हैं, काम काम काम, वर्क इज वर्शिप, हार्ड में जाए बात। तो मैं कोई मेमोरी ऐसी चीज़ है जो कि लगा कि यार ये नहीं होना चाहिए? बहुत सारी चीज़ें हैं बट डिस्कस कर देती हूँ तो मतलब नहीं, मुझे नहीं करना है मीडिया के सामने डिस्कस करो, ये बोलो वो बोलो, क्यों बोलो? जो चीज़ें हुई मैंने उनको बहुत अच्छे से हैंडल किया, टैकल किया, वो चीज़ें मैंने सॉर्ट आउट की। मैंने किसी चीज़ को अपने को कभी हावी नहीं होने दिया, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत, सही में सही का साथ दिया और जो गलत हुआ उसको मैंने बोला भाई मैं इस साथ में नहीं, मुझे ये चीज़ों में नहीं पढ़ना। और ये सब मेरे माँ बाप के संस्कार है कि मुझे ये सब चीज़ों में नहीं तो पढ़ना है। अभी भी आप कोशिश जो कर रहे हैं हमसे ना हो पाई, हम क्यों के बारे में कुछ ना बोली, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ भी अगर मीडिया में कुछ भी बोल देते हैं, आप अपने एक राय भी रखते हैं, पक्ष भी रखते हैं, तो उसकी हेडलाइन ऐसे घुमा फिरा के आएगा ना कि वो पूरा आपके इंटरव्यू को ही वो बना देगा उल्टा, और क्या बोला है, कब किसको क्या जोड़ना है, किसको क्या जोड़ना है। तो मैं सब जितने भी मीडिया वाले कर्मी हमारे हैं, जितने भी लोग हैं, मैं यही बोलना चाहूँगी जो आर्टिस्ट जो चीज़ें बोले ना वो सेम चीज़ें दिखाएं, उसको कॉपी या थोड़ा सा कटिंग करके चीज़ें करके क्यों दिखाना, जो बोल रहा है जिसके साथ हुआ है वो इंसान बोले कि ये चीज़ें हुई हैं ऐसा ऐसा है, जिसके साथ नहीं हुआ वो बोलेगा भाई हम लोग हमें कोई मतलब नहीं है। और तो ये तो इंडस्ट्री में चीज़ें चलती है, बट मेरे साथ में कुछ नहीं होता, इसलिए मैं कुछ बोलूँगी नहीं, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहूँगी। बाकी जो आपने मुझसे पूछा पैसे को लेकर, जैसे कहते हैं ना कि लड़कों को ज्यादा पैसे मिलते हैं, थोड़े पैसे कम मिलते हैं, एक आप एक फिल्म का ग्राफ अगर चलता है तो हीरो को ज्यादा रेट दिया जाता है, हीरो के प्राइस बढ़ जाते हैं, हीरोइन के प्राइस नहीं बढ़ते हैं। अगर आपकी फीस जो है मतलब हीरो के 50% या 100% भी इंक्रीमेंट होते हैं, हीरोइन के 10% भी नहीं होते हैं, ऐसा लगता है कि चलो ठीक है हिट दिया आपने, थोड़ी हिट दिया, मतलब ऐसा लगता है कि मतलब क्रेडिट किया करते थे, जब फिर चीज होती थी कोई पिक्चर हिट हुई तो उसको पूरा क्रेडिट हीरो के ऊपर आता था, और फ्लॉप होती तो भी हीरो पे आता था, एवरीथिंग चीज़ें घूमती थी हीरो के ऊपर ही आती थी। दोनों मामलों में जो भी चीज़ होता था सिर्फ हीरो के ऊपर ही रहता, तो ज़्यादा बात रेट की है, प्राइस की बात है, तो हाँ वो बॉलीवुड में भी है, सब इंडस्ट्री में हीरो के प्राइस ऑलवेज ज़्यादा रहते हैं, जो चीज़ बहुत गलत है। कितना कम होता है? कितना भी होता है, कितना कम होता है, 20 होता है।
फिल्मों को लेकर क्या है अपडेट आपका? बहुत सारी पिक्चर आ रही है मेरी, एक पिक्चर बहुत प्यारी आ रही है, छोटी माँ बड़ी माँ, उसकी कहानी बहुत प्यारी है, वो पिक्चर आ रही है, एक पिक्चर और आ रही है सास के सास बनूंगी मैं, वो भी पूरी फीमेल के ऊपर, एक फीमेल से तीन बहू की कहानी है। उसके अलावा भी एक दो पिक्चर मेरी और आ रही है जो आपको जल्दी देखने को मिलेगी, और अभी नेक्स्ट मंथ में फिर से जा रही हूँ दो पिक्चर करने के लिए शूट, उसमें से एक पिक्चर कर रही हूँ बीफोर यूज़ के लिए, खुशबू सिनेमा के लिए कर रही हूँ कहानी दोनों के पास। फैन से मैं ये बोलूँगी, देखिए हाँ, अगर अगर जिसने मुझे बनाया है या जिनकी वजह से मैं कुछ हूँ, वो सिर्फ मेरे फैंस हैं जो मुझे इतना प्यार करते हैं, जो लोग मुझे मूवीज़ में भी देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो हाँ ये मैं फैंस से बोलूँगी कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेरे फैंस को छोड़ के, मेरी ऑडियंस को छोड़ के मुझे सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का प्यार चाहिए, माँ बाप का आशीर्वाद, भगवान का, बस बाकी किसी का साथ नहीं चाहिए। थैंक यू।